please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अगर सरकार समय पर जागती तो क्या पीएनबी घोटाला रोका जा सकता था? क्या सरकार के बड़े अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नीरव मोदी और मेहुल चोकसी इतना बड़ा घोटाला करने में कामयाब रहे? क्या पिछली यूपीए सरकार के समय ही इस घोटाले को रोका जा सकता था? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों के साथ साथ एक के बाद एक नए नए राज भी सामने आ रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार इस घोटाले से जुड़े नए नए तथ्य दिखा रहा है। शुक्रवार को न्यूज 18 इंडिया ने ही सबसे पहले आपको इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर दिनेश दुबे से रूबरू करवाया। दुबे का दावा है कि उन्होंने 2013 में ही इस घोटाले को जोर शोर से उठाया था। अब गुजरात के एक हीरा व्यापारी दिग्विजय जटेजा भी सामने आए हैं। जटेजा का दावा है कि उन्होंने 2015 में ही धोखाधड़ी को लेकर आवाज उठाई थी। गुजरात के भावनगर से हीरा व्यापारी दिग्विजय जटेजा ने मेहुल चोकसी को दूसरा विजय माल्या बताते हुए दावा किया कि मेहुल ने बैंकों से 9872 करोड़ की धोखाधड़ी की है। गीतांजलि ज्वेलर्स के मालिक मेहुल चोकसी नीरव मोदी के मामा हैं। 11400 करोड़ के पीएनबी घोटाले में मेहुल और नीरव मोदी दोनों आरोपी हैं। गुजरात के हीरा व्यापारी दिग्विजय जटेजा के मुताबिक 2015 में उन्होंने मेहुल की 9872 करोड़ की धोखाधड़ी के खिलाफ गुजरात सरकार को आगाह करते हुए हाईकोर्ट में हलफनामा भी दिया था। हीरा व्यापारी दिग्विजय जटेजा का आरोप है कि मेहुल चोकसी ने उनके साथ 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इसके बाद से उन्होंने मेहुल चोकसी के खिलाफ दस्तावेज इकट्ठा करने शुरू किए तो पता चला कि मेहुल ने अलग अलग बैंकों से 9872 करोड़ का लोन लिया हुआ था। हम एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि न्यूज 18 इंडिया पर इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर दिनेश दुबे ने भी दावा किया है कि उन्होंने 2013 में इस घोटाले को लेकर आगाह किया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और मेहुल की कंपनी गीतांजलि ग्रुप्स को लोन दिया गया। 2015 में जुलाई महीने के आसपास मैंने गुजरात हाईकोर्ट और गुजरात सरकार को ये ध्यान में दिया था, एफिडेविट करके कहा था कि मेहुल चोकसी ने 9872 करोड़ का बैंकों से गलत तरीके से लोन लिया हुआ है। सरकार को बैठे बैठे सपने आ जाते हैं क्या? इनको तो कंप्लेंट की पीएमओ में जो कहा जा रहा है कि आज का पीएमओ जितना शक्तिशाली कोई पीएमओ नहीं है, आपको कंप्लेंट भेजी जाती है उसके बाद भी हजारों करोड़ों आप लोन देते रहते हैं। और वही नहीं, ऐसा आदमी आराम से देश से निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता। अगर इसका पता चलता और उस सरकार ने कार्रवाई न की होती तो हम उसके खिलाफ बातें करते, आलोचना करते। लेकिन अब जब ये पूरा घोटाला उजागर हो चुका है और नीरव वन में कहीं है तो उसको पता करके लाना भारत सरकार का दायित्व। वो कोई मोदी है? और मोदी आप समझोगे किस परिवार के होंगे? 11000 करोड़ भ्रष्टाचार और खरोच नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम खत्म कर दिया, अभी देखिए एकदम भगंदर हुआ ये सारा। अभी भारी इसमें और अभी हथियार घपेला वाला भी सब निकल ये रहा, तो ये सारा चीज हम लोग मिल करके यूपीए गवर्नमेंट बना के इनको हम लोग साजेंगे। बड़े बड़े लोग जिस प्रकार से ऐसे आर्थिक घोटाले करते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि देश के लिए ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है और इसकी जितनी निंदा हो उतनी करनी चाहिए। लेकिन आखिर इंक्वायरी पूरी होने के बाद ही चित्र सामने आएगा, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने घोटाला किया 2011 से, जो 2018 में देखार हुआ और उसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री के घर पे रिसीविंग है, मेरे पास उनके रिसीविंग का मेरे मोबाइल में कॉपी भी है, उनके यहाँ रिसीव हुआ 2016 में घोटाले का मामला, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। इसलिए ये जो घोटाला हुआ है ये सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी की छत्र छाया में ये घोटाला हुआ है। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर कसते शिकंजे के बीच कुल 4 कंपनियां ईडी की जांच के दायरे में आ गई हैं। ये हैं नीरव मोदी, गीतांजलि, गिन्नी और नक्षत्र।
तो ये चार तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल जो ये घोटाला सामने आया है, 11,400 करोड़ का ये घोटाला है और अब इस घोटाले को लेकर के रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हैं। इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर दिनेश दुबे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा अहमदाबाद से कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब 2011 में जिस तरीके से LOU दिया गया था, उसके बाद एक के बाद एक परतें खुलती गई, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। अगर सरकार समय पर जागती तो क्या PNB घोटाला रोका जा सकता था? क्या सरकार के बड़े अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नीरव मोदी और मेहुल चोकसी इतना बड़ा घोटाला करने में कामयाब रहे? क्या पिछली UPA सरकार के समय ही इस घोटाले को रोका जा सकता था? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों के साथ साथ एक के बाद एक नए नए राज भी सामने आ रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार इस घोटाले से जुड़े नए नए तथ्य दिखा रहा है। शुक्रवार को न्यूज 18 इंडिया ने ही सबसे पहले आपको इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर दिनेश दुबे से रूबरू करवाया। दुबे का दावा है कि उन्होंने 2013 में इस घोटाले को जोर शोर से उठाया था। अब गुजरात के एक हीरा व्यापारी दिग्विजय जटेजा भी सामने आए हैं। जटेजा का दावा है कि उन्होंने 2015 में ही धोखाधड़ी को लेकर आवाज उठाई थी। गुजरात के भावनगर के एक हीरा व्यापारी दिग्विजय जटेजा ने मेहुल चोकसी को दूसरा विजय माल्या बताते हुए दावा किया कि मेहुल ने बैंकों से 9,872 करोड़ की धोखाधड़ी की है। गीतांजलि ज्वेलर्स के मालिक मेहुल चोकसी नीरव मोदी के मामा है। 11,400 करोड़ के PNB घोटाले में मेहुल और नीरव मोदी दोनों आरोपी हैं। गुजरात के हीरा व्यापारी दिग्विजय जटेजा के मुताबिक 2015 में उन्होंने मेहुल की 9,872 करोड़ की धोखाधड़ी के खिलाफ गुजरात सरकार को आगाह करते हुए इलाहाबाद में हाईकोर्ट में हलफनामा भी दिया था। हीरा व्यापारी दिग्विजय जटेजा का आरोप है कि मेहुल चोकसी ने उनके साथ 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। इसके बाद से उन्होंने मेहुल चोकसी के खिलाफ दस्तावेज इकट्ठे करने शुरू किए तो पता चला कि मेहुल ने अलग अलग बैंकों से 9,872 करोड़ का लोन लिया हुआ था। हम एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि न्यूज 18 इंडिया पर इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर दिनेश दुबे ने ये दावा किया था। 2015 में जुलाई महीने के आसपास मैंने गुजरात हाईकोर्ट और गुजरात सरकार को ये ध्यान में दिया था, एफिडेविट करके कहा था कि मेहुल चोकसी ने 9,872 करोड़ का बैंकों से गलत तरीके से लोन लिया हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ वडोदरा से जुड़ रहे हैं इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर दिनेश दुबे, इसके अलावा अहमदाबाद से कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता और दिल्ली से BJP के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दिनेश दुबे जी के पास जाना चाहूंगी। दिनेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब 2013 में ये मामला सामने आया था तो कैसे आपने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी? जसप्रीत जी, आपको और आपके दर्शकों को अभिवादन, और मैं गुप्ता जी को और कांग्रेस के प्रवक्ता को दोनों को हाथ जोड़कर ये निवेदन करूंगा कि ओछी राजनीति नहीं करें, तथ्यात्मक भाग पे प्रस्तुत करें। BJP मेरे पत्र को लेकर, मेरे डिसेंट नोट को लेकर कांग्रेस पे तंज नहीं कसे जी। और कांग्रेस भी कृपया इस बात का संयम रखें कि वास्तविकता क्या है। और सबसे बड़ा निवेदन मेरा ये है कि इस देश की जनता के सामने, चाहे NDA हो चाहे UPA हो, मुझे राजनीति से कोई लेन देन नहीं है, इस देश की जनता के सामने ये दोनों इस बात को स्पष्ट करें कि आगे का भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा और किया हुआ भ्रष्टाचार कैसे वापस आएगा। मैं आपको छोटा सा निवेदन करता हूँ कि 1 अगस्त 2012 को तत्कालीन वित्त मंत्री भारत सरकार आदरणीय प्रणब मुखर्जी ने मुझे निदेशक नियुक्त किया था और मुझे इलाहाबाद बैंक में भेजा था। मेरा कार्यकाल मात्र 12 महीने से कम का रहा है, मैं त्यागपत्र देके बाहर आ गया। सबसे पहला प्रश्न ये है कि बैंक की जो एक्टिविटीज है, जो कार्यविधि है, बहुत ही लोकुना उसमें होता है। कोई भी प्रस्ताव ऋण का आता है, उसको संबंधित ब्रांच से हेड जोनल ऑफिस भेजा जाता है, जोनल ऑफिस से हेड ऑफिस आता है, हेड ऑफिस से MCBOD एक कमेटी होती है उसमें रखा जाता है, वहाँ से अप्रूव होने के बाद
मुख्यालय के बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव बना के एजेंडे में दिया जाता है। अब मामला ये नहीं है कि कौन इसमें दोषी है, मामला ये है कि इसमें टॉप टू बॉटम मिलीभगत होती है। मामला ये है कि किसके दबाव से ये ऋण दिया जाता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जब एक डायरेक्टर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए राज्य केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को और भारतीय रिजर्व बैंक को अपने डिसेंट नोट के द्वारा सूचित करता है और उस पर कार्रवाई नहीं की जाती और डायरेक्टर को बोर्ड द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और इसलिए इस बात के लिए बाध्य किया जाता है कि अगर उसको रहना है तो इनमें मिलके रहो और नहीं रह सकते हो तो बाहर आ जाओ। बिल्कुल दिनेश जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं वो काफी गंभीर लगा रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा सर्वोच्च जी जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ और समझना चाहूंगी कि आपने जो है अपनी आपत्ति के बारे में तत्कालीन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को भी लिखा था, क्या रिस्पॉन्स मिला? पूरी पूरी कहानी बता रहा हूँ उसके। क्या आपने क्या कहा? आपने आरबीआई की डिप्टी गवर्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी को मेल भी किया था, तो क्या उस वक्त रिस्पॉन्स आया था? हाँ किया था, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। आपके सामने है, आपके सामने मैं जो भी बात कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं, प्रमाण से कह रहा हूं। यहां प्रश्न एनडीए और यूपीए का नहीं है, यहां प्रश्न इस देश की जनता के हजारों करोड़ का पसीने की कमाई का है, ईमानदारी की कमाई का है, जिसको भ्रष्टाचार के तहत लूटा गया है। प्रश्न ये है आज का मुद्दा, ये नहीं है। प्रश्न ये है कि एनडीए यूपीए की सरकार थी, 2013 में मैंने इस मुद्दे को उठाया, आज यूपीए की सरकार है, 2018 हो गए, 1550 करोड़ से 20-25-30 हजार करोड़ तक ये पहुंच गया। और आप हर राष्ट्रीय बैंक के मिनट्स को, उसके कारगुजारी को, एजेंडे को, इनको खंगालोगे, डीपली जाओगे तो ये तो और ज्यादा बढ़ेगा। मैं दोनों दलों से ये कहना चाहता हूं कि एनपीए पे क्यों नहीं वो नजर रख रहे हैं? बिल्कुल दिनेश जी, हम इसका एनपीए के कारणों को ढूंढ कर जो इस एनपीए को करने में दोषी है उनके खिलाफ क्यों नहीं ये कार्रवाई करते? जी, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से रोहन गुप्ता है, इसी सवाल का हम जवाब लेते हैं। रोहन जी, क्या जिस तरीके से जो दिनेश जी कह रहे हैं उससे सीधे तौर पर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए, मैं दिनेश जी की बात बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने बताया कि 2013 में उन्होंने ये मुद्दा उठाया। मेरा आज एक विपक्षी पार्टी की तरफ से कांग्रेस एक ही बात है, अगर जो भी आदमी इसमें जिम्मेदार हो, वो भले कांग्रेस पार्टी का हो या बैंक का कोई डायरेक्टर, उसके सामने आके एक्शन लेना चाहिए। सरकार को, अभी की जो बीजेपी सरकार है, उनको पूरे तथ्य सामने लाने चाहिए। पर हम देख रहे हैं कल से क्या हो रहा है, जो इतना बड़ा घोटाला, जो एलओयू की बात है, जो अभी ये महानुभाव ने बात की, उन्होंने मेहुल चौकसी की 1500 करोड़ के लोन की बात की, उसके वापस उसको अप्रूव करने की बात की। मेरा सातवें सवाल ये है, जो एलओयू की बात है, जो हम लोग देख रहे हैं कल सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है कि 17-18 में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का कौबांड हुआ है। मेरा एक ही सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि आप 4 साल से सत्ता में हैं और दिनेश जी भी यहां पे बैठे हैं, उनसे भी मेरा भारतीय नागरिक की तरह से एक सिंपल सवाल है, क्यों आप 4 साल तक इस मुद्दे को इतने बड़े लेवल पे लेके नहीं गए? मैं एक नागरिक की तरह से पूछ रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरह से नहीं पूछ रहा हूं। 2013 में आपने भेजा, लेकिन रोहन जी सवाल ये भी है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वित्त सचिव तक को जानकारी हो और तत्कालीन वित्त मंत्री को इसकी खबर ना हो? इस पर भी हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त गोपाल अग्रवाल जी भी मौजूद है, उनके पास चलते हैं। गोपाल जी, ये जो सवाल उठाए गए हैं इसका जवाब तो हम आपसे लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि 11400 करोड़ का जो घोटाला सामने आया है, इसमें जो है एक कारोबारी जाटेजा सामने आए हैं जो हीरा कारोबारी हैं, दिग्विजय जाटेजा, जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने 2015 में इस घोटाले को लेकर के आगाह किया था, गुजरात हाईकोर्ट में हलफनामा दिया था और चौकसी को लेकर के जो है चौकसी को लेकर के सबूत भी दिए गए थे, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। ठीक है, दो तीन चीज़ों को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो ठीक है, मैं दुबे जी की भी सम्मान करता हूँ और कांग्रेस जो बात करें उन सबको लेके आप लोग भी प्रश्न उठा रहे हैं, 3-4 दिन से इस बात पे चर्चा चल रही है। अगर इस पूरे इशू को समझना है तो इसको
थोड़ा 5 मिनट में हम जल्दी से चीजों को समझ लें तो अच्छा रहेगा। दो तीन चीजें हैं, एक तो है जो 11,600 करोड़ का LOU का घोटाला है जो PNB में या जो फ्रॉड हुआ है PNB के अंदर, LOU इशू की गई है नीरव मोदी की, यह एक इशू है जिसके ऊपर जो आपने अभी प्रश्न उठाया कि यह 2017 में यह LOU रिन्यू किए गए थे, तो रिन्यूअल की बात है जो हमारी पार्टी और जो सरकार कह रही है कि 2011 से ये LOU नीरव मोदी एंड उनकी कंपनीज को इशू करना शुरू कर दिया गया था और उसी को रोल ओवर करते जा रहे थे, और वह रोल ओवर वह व्यक्ति कर रहा था जो PNB के अंदर बैठा हुआ था और वह सिस्टम में नहीं डाल रहा था, और फिर जब 2018 में उसका रिटायरमेंट हुआ तो जब दूसरा व्यक्ति आया तो उसमें पता चला कि ये रोल ओवर तो गलत तरीके से हो रहा है, तो फिर ये सामने आया और उसके ऊपर तुरंत हमारी सरकार ने एक्शन ले लिया। इसमें लैप्स उन एम्प्लॉइज का PNB का फ्रॉड है। सुन लीजिए नहीं, एक मिनट मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मैंने भी आपको सुना। उसके बाद दूसरी बात है जो दिनेश दुबे जी उठा रहे हैं, सुनिए आप रोहन जी, सुनिए दिनेश दुबे जी उठा रहे हैं कि यह जो NPA का इशू है आपके सामने फाइनेंस सेक्रेटरी तक उन्होंने बात उठाई और उसने उसको दबाया, क्या NPA भी हम ही उठा रहे हैं, NPA का जो इशू आप लेके आ रहे हैं, बैंकों का पैसा प्राइवेट कंपनी को जो आपने लोन दिया है, तो सब चीजों को मिला के आप उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात आप तथ्यों को बोलिए मत, अपनी जिम्मेदारी से हाथ मत छुड़ाइए। आप लोगों ने कॉर्पोरेट हाउस सरकार को 4 साल हो चुके हैं, कब तक आप कांग्रेस की बात करेंगे? 4 साल में क्या किया आपने? की सरकार कर रही है विजय माल्या देश के बाहर, नरेंद्र मोदी देश के बाहर, जो इन लोगों को छोड़ दिया, क्यों जाने दिया? इसमें भी एक्शन है, क्यों आपकी सरकार ने इनको जाने दिया? 2 दिन में CBI ने 26 से ज्यादा जगहों पे छापे मारे हैं, 5,000 करोड़ ऊपर की जब्त कर लिया है, सरकार को कागज दिए गए हैं, मोदी और उसके परिवार का क्या किया आपकी सरकार ने? इंटरपोल लुकआउट LOU लिया है, तो एक्शन तो हम ले रहे हैं, NPA पे एक्शन हमने लिया, फ्रॉड पे हमने लिया। आप क्या कर रहे थे? आप चिदंबरम से पूछे वो क्या फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो NPA को क्यों कर रहे थे? आप उस बात का कुछ जिम्मेदारी नहीं लेंगे और सत्ता में आएंगे कुछ नया करके दिखाएंगे? क्या मैं आपसे कहना चाहूंगी गोपाल जी और रोहन जी, इस मामले को लेकर के सियासत तो हो रही है, लेकिन 2011 में ये मामला सामने आया, मेरी बात सुनिए 2011 में ये आया, 2015 की बात बता रहे हैं जो दिनेश दुबे जी, उसके बाद वो उजागर हुआ, 2017 हो चुका है, तो क्या दोनों सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? इसका जवाब मैं लूंगी दुबे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप भाजपा की सरकार है, एक सेकंड मैं आपसे कहना चाहूंगी, सबको समय देते हैं, सबको समय देते हैं, नहीं अगर सब बोलेंगे तो फिर किसी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। दुबे जी आपने आवाज उठाई, दुबे जी आपने आवाज उठाई, आपको इस्तीफा देना पड़ा, अब इसको लेकर के सियासत हो रही है और आपको लेकर के बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। अब देखिए रोहन जी आपसे नहीं है प्रश्न, फिर आप बीच में बोलेंगे। मैं राहुल जी गुप्ता को एक बात कहना चाहूंगा जी, वो मेरी बात ध्यान से सुने, राहुल जी मेरी बात ध्यान से सुने, राहुल जी आपने मेरे पे आरोप लगाया कि आप 4 साल क्यों चुप बैठे रहे, 4 नहीं 5 साल बोले। नंबर एक बात, 2013 में जब ये मसला सामने आया मैंने मेरा डिसेंट नोट दे दिया, आप मेरी जगह होते तो आपका अधिकार क्या था? यही था ना कि जो गलत हो रहा है उसको रोका जाए और सरकार को सूचित किया जाए। मैंने सरकार को और RBI को सूचित कर दिया, उस समय तो घोटाला सामने नहीं आया था ना, उस समय तो लोन की बात थी और लोन को रोकने के लिए मैंने कहा, घोटाला 2018 में सामने आया NDA की सरकार में, ये सरकार एक सेकंड पूरी बात मेरी सुन लीजिए, ये 2018 में सामने आया, आने के बाद जैसे ही ये उठा तो मैंने मेरे एक मित्र हैं जो राजस्थान सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पे है मिस्टर संजय दीक्षित, उनको फोन पर जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि यार इसको 2013 में इलाहाबाद बैंक लोन देना चाह रहा था और मैंने डिसेंट नोट दिया था और बहुत ज़्यादा पुरजोर विरोध किया था कि इसको लोन नहीं दिया जाए, उन सारी कोशिशों के बावजूद इसको लोन दिया, इससे मुझे वेदना हुई, अन्य प्रकरण से भी वेदना हुई, मेरे से त्याग पत्र मांगा, मैं त्याग पत्र दे के बाहर आ गया। संजय दीक्षित साहब ने मेरे से ये कहा कि आपके पास इसका क्या प्रूफ है? मैंने कहा जी मेरे पास वो मेल है, वो ही नहीं अभी मेरे पास राहुल जी इतने मेल हैं जिनको मैं सार्वजनिक करूंगा,
तो दोनों सरकारों पे प्रश्नवाचक चिन्ह ये भारतीय जनता बना देगी। इसलिए इस मुद्दे पे कीचड़ उछालना बंद करें दोनों प्रवक्ता, इस बात पे सोचें कि कैसे ये पैसा आएगा, इसमें कौन कौन भागीदार है। जब मैंने उनको मेल फॉरवर्ड किए उसके बाद उन्होंने ट्विटर पे डाला, और ट्विटर पे डालने के बाद सब चैनल मेरे से पूछना चाहते हैं। मैं केवल उन चैनलों को, उनके एंकर को इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि मेरे पास जो जानकारी है वही मैं दूंगा। मेरे पास राजनीतिक जानकारी कोई नहीं है, मेरे पास जो ऑफिशियली जानकारी है और मैंने मेरे कार्यकाल में जो किया है और मेरे साथ जो हुआ है वही दूंगा। राहुल जी आप मेरी जगह होते ना, और उस परिस्थिति में अगर आप बर्दाश्त कर लेते मैनेजमेंट का तरीका, रोहन गुप्ता जी से लेंगे क्योंकि जो आप आरोप लगा रहे हैं वो गंभीर है। और एक तरह से एक डिफॉल्टर को बार बार लोन दिया गया, नीरव मोदी देश को लूट करके भाग गया, विदेश चला गया, सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है नीरव मोदी कहाँ है, और अब जो है इस पर सियासत हो रही है। आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिए, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल रुकते हैं कुछ देर के लिए। अगर सरकार समय पर जागती तो क्या पीएनबी घोटाला रोका जा सकता था? क्या सरकार के बड़े अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नीरव मोदी और मेहुल चोकसी इतना बड़ा घोटाला करने में कामयाब रहे? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर दिनेश दुबे मौजूद हैं, साथ ही कांग्रेस की तरफ से रोहन गुप्ता है, और गोपाल अग्रवाल बीजेपी की तरफ से है। जो दिनेश दुबे जी बता रहे थे, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, मैं सीधे गोपाल जी आपके पास आना चाहती हूँ। दरअसल मेरे पास जो आप कह रहे थे कि यूपीए के शासनकाल में जो ये घोटाला सामने आया, जो सीबीआई ने अपनी दूसरी एफआईआर दर्ज की है, लगभग 500 करोड़ रुपए के एलयू साल 2017 में जारी किए गए, ये एफआईआर में बतौर लिखा है, यानी 11,400 करोड़ रुपए में से 500 करोड़ का घोटाला तो आपकी सरकार के समय हुआ। ठीक है, ये घोटाला जो फ्रॉड जिसको आप कह रहे हैं 11,500 करोड़ का, यह तो रोल ओवर होता जा रहा था, और ये जो लेटर ऑफ बायर्स क्रेडिट है यह सिस्टम है जिसको मिसयूज किया गया वहां के एम्प्लॉय ने, और जब ये रिन्यूअल के लिए आया, और इसीलिए जनवरी 2018 में, और हम पीएनबी को पता चला, उन्होंने सीबीआई को कहा, और तुरंत 3 दिन में देखिए कितना एक्शन लिया, 5,000 करोड़ का वो जब्त कर ली 26-27 जगहों पे। नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं क्या एक्शन लिया गया है, देश में न जाने कितनी बार ऐसा हुआ है कि, मेरी बात सुनिए, चंद रुपए के लिए, हजारों रुपए के लिए किसान आत्महत्या कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगा करके विदेश में मौज कर रहे हैं नीरव मोदी। देखिए बिल्कुल, इसीलिए तो जो एक्शन लिया गया, जब फ्रॉड और एनपीए, ये दोनों मुद्दे अलग अलग है। एनपीए जो आप कह रहे हो लोन लेके भाग जाते हैं, वह भी जुड़ा हुआ इसी तरह का घोटाला, लेकिन वह एक अलग चीज है, जिसको 9,00,000 करोड़ का है, वह केवल यह नहीं है कि 2-4-5 हज़ार करोड़ का केवल गीतांजलि जेम्स का है, वह तो पूरा हम जो बता रहे हैं जिसका सॉल्यूशन मोदी सरकार कर रही है, 9,00,000 करोड़ का पूरा यूपीए सरकार का 10 साल का इकट्ठा हुआ लोन है, जो सब स्टैंडर्ड लोन है। गीतांजलि लोन को जैसे दिनेश दुबे जी से रोहन गुप्ता जी बोल रहे थे कि आपने उस टाइम पे उसके 4 साल में क्यों नहीं बात, अरे जो सब स्टैंडर्ड लोन था वो अंडर क्वालिटी लोन था, और वह लोन कंटिन्यूअसली, सुन लीजिए मेरी बात पूरी हो जाए, मैं रोहन जी आप सुनिए, सुनिए गोपाल जी, आप मेरे को पूरी बात करने दीजिए, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। रोहन जी आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरी बात के बीच में बोलेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। गोपाल जी सुन लीजिए, आप पहले पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर मेरी बात खत्म होने के बाद आप बोलेंगे। सुनिए आप कैसे तथ्यों को मत तोड़िए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। एलओयू का पूरा 2017 में हुआ, फिर आप 2015 में पीएम ऑफिस को इन्फॉर्म किया, आप 2016 में इन्फॉर्म किया, या तो फिर 2017 में फ्रॉड एलओयू यूज होते हैं जो कर रहे हैं, या कांग्रेस का मेरा गोपाल जी सुन के बात कर रहे हैं, एक बार रोहन जी से जवाब ले लेते हैं फिर मैं आपके पास वापस लौटती हूं। नहीं नहीं, मैं जवाब देती हूं फिर आपके पास वापस आते हैं, आपकी बात पूरी होगी नहीं होगी तो फिर कैसे बात होगी? नहीं नहीं, आप बीच में क्यों बोल रहे हो बात को, आपका जीत का पर्दा लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे, समय बर्बाद हो रहा है, एक सेकंड समय बर्बाद हो रहा है जी, पहले सुन लेते हैं रोहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए पहले, बोलिए बोलिए रोहन जी। देखिए पहली बात, जो गोपाल जी बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ है,
एलओयू सारे के सारे 2017 लेकिन जो ये कई गुना ज्यादा बड़ा तब तो आपकी सरकार नहीं, है कैसे, नहीं कैसे नहीं 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 मैं जसप्रीत जी मैं बताना चाहूंगा ये बिल्कुल झूठ बात है ये पूरे का पूरा घोटाला 11,000 करोड़ का घोटाला एनडीए के समय में हुआ मेरे पास आंकड़ा है। एक बार आरबीआई का डेटा मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड। आरबीआई का जो डेटा है उसके मुताबिक देश के कुल सरकारी बैंकों के 8,670 लोन फर्जी दिए गए हैं, 60,000 करोड़ रुपए देश के डूबे हुए हैं, उनमें सबसे बड़ी संख्या पीएनबी की है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि 389 लोन फर्जी दिए गए हैं और अकेले पीएनबी के 6,500 करोड़ डूबे हैं और इसमें ये घोटाला शामिल नहीं है। जवाब दीजिए, 6,500 की बात कर, मैं 9,00,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 9,00,000 करोड़ की बात है। गोपाल जी, आप अपनी सरकार की बात कीजिए, सिस्टम्स को इन्होंने लेफ्ट किया था, 4 साल हुए तब देश की जनता को जवाब नहीं दिए, तब तक पुरानी सरकार को जिस तरह से इन्होंने घुसाया था, पूर्ण बहुमत दिया देश की जनता ने कि देश का चौकीदार है और देश के लिए कुछ करेगा। क्या किया आपने, सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे हो आप लोग, 4 साल से जो अभी भी नरेंद्र मोदी बाहर है, अभी भी नीरव मोदी बाहर है, विजय माल्या बाहर है, जो आप लोग और ये कब तक पुरानी सरकार की बात करोगे, सुनने जनता को सुनने भी नहीं देते, 4 साल हो गए आपको, बोल बोल देश की जनता को जवाब दीजिए, पांच साल का वादा करके आप पूरी बात को सुन रहे हैं, आपकी सरकार का कोई पूरे जितने भी घोटाले बाहर है उनके लिए अच्छे दिन बिल्कुल सियासत तो इस मसले पर हो रही है हमारे साथ दिनेश दुबे जी भी हैं। एक सेकंड, रोहन जी, गोपाल जी, दिनेश दुबे जी को भी सुन लेते हैं। दिनेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी, क्या अगर उसी समय आपकी आपत्ति को गंभीरता से लिया गया होता तो ये घोटाला इतना बड़ा नहीं होता? मैं एक मिनट चाहूंगा जसप्रीत जी, गोपाल जी ने मेरी बात को ठीक से नहीं सुना, पहले हम दुबे जी को सुन लेते हैं। रोहन जी देखिए, पहले दुबे जी को सुन लेते हैं, मैं आपके पास वापस आऊंगी। दुबे जी, आप सुनने नहीं दे रहे हैं ना, नहीं तो आप ये बात कर रहे हैं। दुबे जी, ऐसा है जसप्रीत जी, अगर उस डिसेंट नोट को उसी समय एक्शन में ले लिया जाता तो ये एक घोटाला नहीं, कई घोटालों पे अंकुश लग जाता, सामने वालों को ये पता लग जाता कि जिस ढंग से हम ठगी कर रहे हैं या जिस ढंग से उल्लू बना के लोन प्राप्त कर रहे हैं या जिस मिलीभगत से हम लोन प्राप्त कर रहे हैं उस पर आधिकारिक रूप से अंकुश लग गया है और हम जेल जा सकते हैं। रामायण में एक चौपाई, भय बिन प्रीत होए न गोसाई, आप इन लुटेरों को जब तक भय नहीं दिखाओगे कुछ नहीं होगा। मैं रोहन जी और गोपाल जी से कि आप देश के लिए हैं कि पार्टी के लिए हैं, आप एक दूसरों पे इसमें कोई डाउट नहीं है, आराम से सहृदय निष्पाप से ये स्वीकार करना चाहिए कि हाँ उधर भी घोटाला हुआ है, इधर भी घोटाला हुआ है। यूपीए के कार्यकाल से अगर शुरू हुआ है तो एनडीए के 4 साल के कार्यकाल में ये कितना गुना बढ़ा है, ये तो सब आंकड़े बता रहे हैं ना। बिल्कुल, तो एनडीए ने नहीं किया, मान लिया साहब एनडीए दोषी है उसने, मान लिया यूपीए दोषी है उसने एक्शन नहीं लिया, तो क्या एनडीए अपने दोस्त से मुक्त हो सकती है क्या? बिल्कुल, ये जो सवाल बाजीबाप उठा रहे हैं, जानकारी हो गोपाल जी से हम जवाब देते हैं। चोर के साथ चोरी का माल खरीदने वाला भी चोर होता है। मैं इसका पहले जवाब देना चाहूंगा। चलिए देखिए, प्रश्न मुझसे करा है, इनको इस बात को पेश करना चाहिए। गोपाल जी, मैं ये समझना चाहूंगी, नहीं गोपाल जी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो चौकीदार हैं, और ये कैसी चौकीदारी है जो देश को लूटने वाले विदेश में मौज कर रहे हैं? देखिए कि यह जो मैं पूरा जो एनपीए का इशू है उसको रिजोल्यूशन के लिए 9,00,000 करोड़ के घोटाले जो हुए हैं सब स्टैंडर्ड लोन के हुए हैं, जिसका कि दिनेश दुबे जी बार बार विषय उठा रहे हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए हम पूरी सरकार काम कर रही है 3 साल में, चाहे वो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड हो, एनसीएलटी हो, बोर्ड का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, फिनेकल 10 लाना हो, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन करना है। आज बैंकिंग सेक्टर 3 साल में बहुत मजबूत हुआ है, इसी कारण हमने कॉन्सेंट्रेटेडली एक्शन लिए हैं।
पीके वो कमेटी है, पूरी फाइनेंस मिनिस्टर का ओवरसाइट कमेटी है, और यह जो पकड़ में आ रहे हैं आज के डेट में घोटाले, वो इसी कारण हो रहे हैं कि हमारी सरकार एक्टिव उस चीजों में। आपको पता है विदेश मंत्रालय ने कल इस मसले पर चुप्पी तोड़ी है, और रवीश कुमार का बयान आता है कि नीरव मोदी कहाँ है उन्हें जानकारी नहीं है, तो क्या ये मामा भांजा पकड़ में आएगा? बड़ा सवाल है। रोहन जी के पास चलते हैं, उनका पैसा नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, अब मैं इनकी बातों का जवाब देना चाहूंगा। बोलिए बोलिए गोपाल जी। आपको मैं बता दूं कि 17 साल में पहली बार एसबीआई ने घाटा किया है आपकी सरकार में, जो नोटबंदी हुई और पूरी बैंकिंग क्षेत्र की कमर आपकी जो सरकार ने तोड़ी है। आप इसमें मत बोलिए गोपाल जी, मेरी आपसे विनती, आप सुन लीजिए। आप, मैं कब से आपकी बात आराम से सुन रहा था, 4 साल में 4 बार पीएम ऑफिस को पीएनबी घोटाले के बारे में जानकारी दी गई, आपकी एफआईआर फाइल होती है दावोस में नीरव मोदी के जाने के बाद 1 जनवरी को उसको जाने दिया जाता है। क्यों? मैं बोल रहा हूँ घोटाला हुआ, आपकी सरकार इनको क्यों नहीं रोका, क्यों नीरव मोदी देश के बाहर है, ये सब सूची समझी साजिश है, आपकी सरकार ने जानबूझ के उनको जाने दिया। ₹17,000 करोड़ के आप अपना रिकॉर्ड चेक कीजिए, एफआईआर फाइल हुई है गुजरात में, गुजरात हाईकोर्ट को बोला गया, क्यों सो रही है आपकी सरकार? चलिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। दिनेश दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी, जिस तरीके से ये घोटाला सामने आया 2013 में, तब यूपीए की सरकार थी, अब 2014 से बीजेपी की सरकार है, और ये घोटाला ये घोटाला जो है कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। आपको नहीं लगता कि ये ऊपर से नीचे तक मिलीभगत थी? दुबे जी अलग बात कर रहे हैं, पीएनबी का अभी वाला नीरव मोदी वाला। एक सेकंड सुन लेते हैं दुबे जी को। 18 का मैं जवाब दूंगा, 13 का कांग्रेस दे। आप जब बोलिए दुबे जी। जसप्रीत जी, क्या पूछना चाहती हैं आप मेरे से? जी मैं अब ये मैं तो ये कह रहा हूँ, इस्तीफा भी देना पड़ा उसके बाद। आपस में वाद विवाद क्यों कर रहे हैं? ये हाँ बिल्कुल देना पड़ा ना, वो तो जग जाही रहे सामने। आप मैं रोहन जी से और गोपाल जी से पूछता हूं कि रोहन जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और गोपाल जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अगर इनको सम्मान नहीं दिया जाएगा तो क्या ये चमचागिरी करना पसंद करेंगे क्या? जब मेरी बात बोर्ड में सुनी नहीं जा रही थी तो मेरा वहां रहने का क्या औचित्य था? मैं कोई फीस वसूल करने थोड़ी गया था, मैं पत्रकार था, मैं पत्रकार हूं, पत्रकार मरते जम तक रहूंगा, मैं मेरा कार्य पूरी करने गया था, मेरे कर्म को पूरा कर रहा था, जो बात मेरे सामने आई मैंने प्रकट कर दी। उसके बाद अगर मेरे को बेइज्जत किया जाए, जसप्रीत जी आप जी। किसी भी डायरेक्टर से या वहां के किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं मैंने कितनी लड़ाई लड़ी है, कितने लोन मैंने रुकवाए हैं, ये वहां का रिकॉर्ड देखे ना। सरकार अभी एनडीए की है, गोपाल जी को मैं कहता हूं गोपाल जी इलाहाबाद बैंक की बोर्ड मीटिंग का आप रिकॉर्ड देखे किस, और इलाहाबाद बैंक का ही नहीं मैं कह रहा हूं, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का रिकॉर्ड देखें, इतने कितने डायरेक्टर हैं जिन्होंने डिसेंट नोट दिए या कोई भी अपना मुंह खोला है किसी भी प्रस्ताव पे या एजेंडे पे। आप कोई काम करता है उस काम करने वाले की तो प्रशंसा करते नहीं हो, आलोचना करते हो, तो इस देश में नेगेटिविटी क्यों पैदा करते हो? मैं रोहन जी से एक बात पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा 5 साल क्यों चुप थे, मैं ये कहता हूं उस समय घोटाला होता तो बोलता ना, 5 साल बाद जब घोटाला हुआ तो मैंने बताया कि उस रोहन जी से जवाब ले लेते हैं। दिनेश जी, रोहन जी जवाब दीजिए, अगर एक्शन हो जाता तो शायद आगे के कई घोटाले एनडीए वाले क्यों नहीं सोचते कि इनकी सरकार आई, बड़ी विनम्रता से सब कुछ देखा और देखने के बाद वहां जितने भी डिसेंट नोट पड़े थे, जितने भी मिनट्स लिखे हुए थे, उनको खंगाला क्यों नहीं? बिल्कुल, बोर्ड मीटिंग में बकायदा ये मुद्दा उठाया गया था। रोहन जी, जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब तो ये हजारों करोड़ का है, दोनों प्रवक्ताओं से और ये समझ से परे है कि फाइनेंस सेक्रेटरी को पता था और वित्त मंत्री को पता नहीं था, तत्कालीन वित्त मंत्री को,
और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है और जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वाहन चौथाई बढ़ाई है उनके एक्शन लेना चाहिए। गोपाल जी एक सेकंड, रोहन जी को बोलने का मौका देते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। रोहन जी आप अपनी बात रखिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 150 करोड़ का मेरा देश, हम 150 करोड़ में हम भी उनके साथ हैं। मैंने एक चीज कही, आप बुलाइए ना उनको, हमसे पूछिए तो सही, हम लोग ना बताएंगे। दिनेश दुबे जी जो आपने अपनी दर्ज कराई, जो सवाल आपने खड़े किए उसका जवाब हम लेते हैं रोहन गुप्ता जी से। देखिए एक एक करके सब बोलिए, निष्कर्ष भी निकल पा रहा है। रोहन जी आप अपनी बात रखिए। एनपीए लगे लोन लगे, अजी लोन से ही तो एनपीए होता है। जब अगर लोन चढ़े नहीं हो तो एनपीए कैसे पैदा होगा? इसलिए इसको इस रूप में देखा जाए कि देश के कितने हजार करोड़ रुपए पहली बार पीएम ऑफिस कौन किया गया, इतने हजार करोड़ रुपए लेन देन करके रिश्वत कहां से के लिए रिकॉर्ड पे जा रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन केवल इतना सा है कि इस बेस को इस बात पर जब अलाहाबाद के डायरेक्टर थे भ्रष्टाचार हुआ है, हो गया जिसने भी आपके मिशन नोट के सामने एक्शन नहीं लिया उसके सामने एक्शन नहीं लिया। दिनेश जी चाहे आप कुछ बातें कह रहे हैं, चाहे यूपीए की सरकार थी या फिर अभी जो है एनडीए की सरकार है, दोनों सरकारों की ये सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है उन लोगों को कैसे शिकंजे में कसा जाए। मैं आप जब सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो भी अधिकारी जो लोग भ्रष्टाचार में नहीं लिया सिस्टम में शामिल थे उनके कैसे प्रमोशन हो गए, कैसे एमडी सीईओ बन गए, उनका रिकॉर्ड किसने देखा है? एनडीए सरकार इस बात से बच नहीं सकती। गोपाल जी इनके आंकड़े देखे जाए, इनका रिकॉर्ड देखे जाए, कई अफसर है जिनका गिना सकता हूँ जो इलाहाबाद में दे रहा है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। कितने लोगों को इनको अच्छी तरह मालूम है कि मेरा क्या झगड़ा हुआ था इस लोन को लेकर, इनको ये भी मालूम है कि कितना झगड़ा मेरा चला है इन लोन के मुद्दों को लेकर। ये तो 2014 में जनता ने हमें, उसके बावजूद आपके अधिकारियों को नहीं पता चला इतने समय तक। देखिए 11 करोड़ का घोटाला है। हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक में देश को लगभग 11.5 करोड़ का चूना लगाकर फरार होने वाला नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दिखाई दे रहा है, और दूसरे में मध्य प्रदेश के उस किसान की तस्वीर दिखाई दे रही है जो केवल 3 लाख का कर्जदार था, लेकिन कर्ज ना चुका पाने पर उसने फांसी लगाकर जान दे दी। ये दो तस्वीरें कई सवालों को जन्म दे रही हैं, इन सवालों के जवाब तलाशने जरूरी हैं। आतंकी हाफिज सईद पर पाकिस्तान की कार्रवाई केवल एक दिखावा है? क्या हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा पर पाबंदी केवल कागजी तौर पर लगाई गई है? क्या पाकिस्तान सरकार संयुक्त राष्ट्र की आंखों में धूल झोंकने के लिए जमात के दफ्तरों पर कब्जे का दिखावा कर रही है? ये मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि खुद पाकिस्तानी मीडिया ने लाहौर में जमात के दफ्तर में जाकर धड़ल्ले से चल रही गतिविधियों का पर्दाफाश किया है। ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तान दिखावे के लिए मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद पर कार्रवाई की बात कर रहा है, क्योंकि सच्चाई यही है कि पाकिस्तान में हाफिज की गतिविधियां पहले की ही तरह बेरोक टोक जारी है। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान सरकार ने आतंकी हाफिज सईद को आतंकवादी मानते हुए उसके दो संगठनों जमात उद दावा और फलाए इंसानियत को कब्जे में लेने का ऐलान किया था, लेकिन खुद पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। लाहौर की तरह से कराची, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हाफिज के संगठन जमात उद दावा का दफ्तर पहले की तरह काम कर रहा है। मीडिया में आई तस्वीरों में साफ दिखा किस तरह से आतंकी हाफिज सईद के संगठन की गतिविधियां बिना रोक टोक के चल रही हैं, जबकि पाकिस्तान का दावा यह है कि उसने आतंकी हाफिज सईद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लेकिन इन तस्वीरों ने एक बार फिर पाकिस्तान की झूठ की पोल खोल करके रख दी है।
मैं चुबूर जी मौजूद हूँ लाहौर की, बहुत अहम शाहरा है और मेरे सामने जो है ये मेरी बैक साइड पे पीछे जो है ये जमात दावा का मरकजी दफ्तर है जिसे आप हेडक्वार्टर कह सकते हैं। ये पूरा हेडक्वार्टर है और पूरे पाकिस्तान के जो हेड ऑफिस, तमाम तार इजलास, तमाम तार मरकजी क्यादत यहाँ पर बैठती है और तमाम इजलास यहाँ पर होते हैं, तमाम जो है के हेड ऑफिस भी यहाँ पर ही हैं। आइए हम चलते हैं, हम कोशिश करते हैं अंदर जाके बात करने की। यहाँ पे किस तरह का निज़ाम चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा सरकार इस तमाम को जो है दफातर को सरकार अपनी तहवील में ले ले। हम बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, आप ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आइए कि क्या जिस तरह का जो निज़ाम है ये पूरे पाकिस्तान में जिसको तहवील में लिया जा रहा है ना, तो ये बताइएगा कि ये इसको आपको क्या इतला पहुँचा दी गई, आपको कोई इतला दे दी गई कि आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर, और इसको किस तरह आप जो है वो देखेंगे? हमें जी सरकारी हवाले से ये इतला दी गई है कि ये एक फैसला हो गया है और इस पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी आपके इदारे हैं, फ़लाह इंसानियत फाउंडेशन, जमात उद्दावा, वो इदारे जो हैं वो अब सरकारी तहवील में हैं। अब यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद होंगे, हुकूमत जो है वो इन इदारों को चलाएगी। इस फैसले के बाद हमारे न सिर्फ ये कि कारकुनान जो है वो परेशान हैं, बल्कि थरपारकर में, बलूचिस्तान में, अंदरून सिंध के अंदर, शुमाली इलाका जात में, कश्मीर में, हमारे तमाम इस वक्त रिलीफ के रिफाई प्रोजेक्ट जो है वो चलाना मुश्किल बना दिया गया है। आप देख सकते हैं कि सिलसिला जो है यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं, तरबियत दी जाती है और इसको हेडक्वार्टर कहा जाता है जमात उद्दावा का, और यहाँ पर आते हैं और यहीं पर जो है तमाम अहम इजलास भी होते हैं और अहम जो है फैसले भी किए जाते हैं। अभी तक फिलवक्त यहाँ पे सरकार की जानिब से कोई नहीं आया, सिर्फ इनको पैगाम आया है और तमाम दफातर में अपने अपने जिसा रूटीन का मामूल के मुताबिक काम है वो जारी है सारी। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, साथ ही हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद हैं शहजेब। सबसे पहले हम शहजेब के पास चलते हैं। शहजेब, जो ये तस्वीरें सामने आई है इसके बाद क्या माना जाए कि पाकिस्तानी सरकार कोई एक्शन लेगी? देखिए, उन्होंने कुछ एक्शन तो ये लेना शुरू किया है, खास करके रावलपिंडी के इलाके में उन्होंने कोई 5-6 डिस्पेंसरीज हैं जो फलाह इंसानियत की और JUD की हैं, जिसको उन्होंने जाके एक लिहाज से टेक ओवर कर लिया है। पंजाब गवर्नमेंट ने अपना बोर्ड लगा दिया है वहाँ पे। तो अब ये सवाल बड़ा ये है कि क्या ये इस तरह की कार्रवाई पूरे पाकिस्तान में हुई है? तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर आप देखें JUD और फलाह इंसानियत का जो नेटवर्क है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है, वो सिंध के गाँव में है, थरपारकर में है, बलूचिस्तान में है, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में है, हर जगह वी हैवंट सीन इस तरह की कार्रवाई। तो उससे ये जहन में बात आती है कि मे बी ये जो फॉरेन प्रेशर इतना बढ़ गया है, ये उसको ठंडा करने के लिए कुछ कार्रवाई जो है गवर्नमेंट ने की है। बिल्कुल, तो आप ये बात मान रहे हैं कि दबाव के कारण ये कार्रवाई की गई है। शाहजेब, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अनिल जी, अब आगे जो है भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पहली बार नहीं हुआ है जब पाकिस्तान का दो मुहापन सामने आया है। देखिए जसप्रीत, ये पहली बार भी नहीं है कि जब पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के ऊपर बैन लगा है, लेकिन वो रिसर्फेस हुए हैं किसी नए नाम के साथ, लेकिन उनकी कार्रवाइयां चलती रही हैं। इस बारी भी देखिए, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पावर सेंटर्स हैं और उन सब पावर सेंटर में सबसे कमजोर पावर सेंटर जो है वो है सिविलियन हुकूमत। सिविलियन हुकूमत जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किया है, क्या वो ISI और आर्मी को मंजूर है? मुझे नहीं लगता उनको मंजूर है। और अगर जब तक ISI और आर्मी उसको मंजूर नहीं करेगी, तब तक इस तरह के इनके जो दफ्तर हैं वो चलते रहेंगे दुनिया को दिखाने के लिए। चंद एक दफ्तर जो बड़े बड़े शहरों में हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएंगी। यही नहीं, आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से शरेआम सड़कों के ऊपर जुलूस निकाले जा रहे हैं, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है और लोगों को जिहाद के लिए तैयार किया जा रहा है, रिक्रूटमेंट की जा रही है, उसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है। तो ये बिल्कुल दोगलापन है। और अभी हाल ही में जो एक मीटिंग होने वाली है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पेरिस के अंदर 18 से 23 फरवरी में, मुझे पूरा यकीन है कि भारत सरकार उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के इस दोगलेपन को दोबारा उठाएगी और मजबूर करेगी उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि पाकिस्तान के खिलाफ इकोनॉमिक सेंक्शन लगाए जाएं, ताकि उस जो कि वो कॉन्फ्रेंस है FATF, उसका जो मैंडेट है वो वही है, टेरर फंडिंग को रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। बिल्कुल, आगे की डिप्लोमेटिक रणनीति भी तय करनी होगी। अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। शाहजेब, मैं आपके पास आना चाहूंगी, तमाम बातों को आपने सुना भी है, तो क्या ये ट्रंप की चेतावनी के बाद महज दिखावा था या पाकिस्तान सरकार के हाथ में कुछ है ही नहीं?
लेकिन ये जो प्रेशर है इंटरनेशनल इंडिया की तरफ से तो खैर रहा ही है, लेकिन उसको पाकिस्तान इग्नोर भी करता है, लेकिन अब ये प्रेशर जो है ये अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इन देशों की तरफ से आ रहा है। तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक लेवल पे अपनी कोशिशें शुरू की हैं, वो समझते हैं कि अगर उनको 3 वोट मिल गए पेरिस की इस कॉन्फ्रेंस में तो वो शायद इसको ब्लॉक कर सकें। उसमें शायद चीन उनके साथ ऑलरेडी है, बाकी टर्की और रशिया भी इन्होंने डिप्लोमैट भेजे हैं, तो डिप्लोमेटिक लेवल पे पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। लेकिन जो फैक्ट है जो पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ा परेशानी का बायस है वो ये कि पाकिस्तान इन ग्रुप्स के हवाले से अपनी पॉलिसी क्यों नहीं बदल रहा। और उसमें ये बात सही है कि यहाँ के जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जो लीडर्स हैं, वो नहीं समझते कि ये इन ग्रुप्स को बढ़ावा देने से कोई हमारा सिक्योरिटी स्ट्रांग हो जाएगी या पाकिस्तान बहुत ही एक मजबूत मुल्क बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पे अक्सर लोग ये समझते हैं कि इन ग्रुप्स को जो बढ़ावा देते आए हैं जो आर्मी के लोग हैं वो इनको प्रोटेक्ट करेंगे। और अभी मेरा इंप्रेशन ये है कि आर्मी को भी ये रियलाइज करिए कि इंटरनेशनल प्रेशर ज़्यादा है, तो इसलिए कुछ अरसे के लिए इनको डॉर्मेंट कर दिया जाए, इनको लो प्रोफाइल में रखा जाए टू वार्ड ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर, और इस पर आर्मी भी सहमत है। लेकिन ये कोई वो पैराडाइम शिफ्ट नहीं देख रहे हम, ये हम कोई सब्सटेंटिव एक्शन नहीं देख रहे, दिस इज प्योरली टू वार्ड ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर, क्योंकि उसके बड़े इम्प्लीकेशन हैं। अगर ये बिल्कुल आप दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात कर रहे हैं शाहजेब, अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, जो शाहजेब बता रहे हैं कि ये दबाव तो है, लेकिन अहम बात ये हो जाती है कि पिछले हफ्ते ही पाकिस्तानी सरकार ने आतंकी हाफिज सईद को आतंकी माना और उसके 2 संगठनों को अपने कब्जे में लेने का ऐलान किया था, उसके बावजूद ये तस्वीरें। देखिए जसप्रीत, सबसे पहले तो मैं जो आप पाकिस्तानी सभाकार है जो भी हैं मिस्टर शाहदेव, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, बहुत साफ गुई की बात कर रहे हैं वो, और मुझे बहुत खुशी हुई है उनके उनके मुंह से ऐसी बातें सुन के, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आम पाकिस्तानी जो है वो इससे बहुत तंग है, आम पाकिस्तानी इससे छुटकारा चाहता है, लेकिन वहाँ की जो डीप स्टेट है वो किसी तरह बिल्कुल। अनिल जी हमारे साथ बीजेपी से जफर इस्लाम मौजूद है, उनके पास चलते हैं। जफर जी, पाकिस्तानी मीडिया ने खुद पाकिस्तान की पोल खोल दी है, सरकार की रणनीति अब आगे क्या होनी चाहिए? देखिए हमारी राजनीति एक ही है, हम पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं पूरी दुनिया में, इसलिए कि पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री की तरह, और कहीं ना कहीं टेरर जो पूरा सपोर्ट, जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो होता है पाकिस्तान, उसके हुक्मरान और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है, तो पैटर्नेज जो प्राणों की तरफ से मिल रहा है और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिल रहा है उसको खत्म होना चाहिए, बल्कि इस मिनस को खत्म करने के लिए वो काम करे, इसकी दिशा, इस दिशा में उनके उनको फोकस करने के लिए हम बार बार दबाव उन पर डालते रहेंगे। आज जो भी पाकिस्तान कर रहा है वो मजबूरन कर रहा है और प्रेशर में कर रहा है, और खुद जो एक होता है कि इंटरेस्ट लेके करने वाली बात होती है कि हाँ ये इनके देश के इंटरेस्ट में टेररिज्म खत्म किया जाए, वो बात आज भी पाकिस्तान में मिसिंग है। पाकिस्तानी हुक्मरान आज भी उस सिंसियरिटी नहीं दिखा रहे हैं जो होनी चाहिए, और इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान पर दबाव इसी तरह से पूरी दुनिया बना के रखे और पाकिस्तानी। बिल्कुल जफर जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही अनिल और शहजेब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।